बहुत वधिया नेचर है जी। तुसी इत्थे आके महसूस करोगे शायद तुसी गोवा के किसी टापू ते जां बीच ते खड़े हैं। आ साडा कैंप आ, क्योंकि हवा बहुत तेज चलती सी तो असीं चलो कैंप ला लीए। सानू थोड़ा टोआ कढ़ना पिया इत्थे क्योंकि हवा का फ्लो बहुत तेज वा। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। हो सुनाओ सब वधिया जी। अज असीं तुहानूं लैके आए हां जी मालपुर दे बीच दे विच। देखो किन्ना वधिया आले दुआले दा तुहानूं लगेगी नेचर। तो बाकी तुसीं देखो आ कैंप अपना लगा होया आ, नाल चेयर वगैरह लाई आ असीं अपना। अज असीं इत्थे पिकनिक मनावांगे। किन्ने चिर दा असीं साडा मन आ के इत्थे आ के पिकनिक मनाईए, क्योंकि लास्ट टाइम साडी इत्थे दी वीडियो आ उहदे विच सिर्फ असीं तुहानूं ये बीच दिखाई आ। तो ये इस बार साडा सगा के चलो असीं तुहानूं पिकनिक मना के दिखाईए, तो थोड़ी होर डिटेल दे विच दस दईए। तो ये मालपुर दी तुसीं मनना कि परमात्मा वल्लों ऐन कुदरती एक जन्नत आ। असीं इन्नी दूर दूर जाने आ, कोई पठानकोट दे मिनी गोवा जांदा, कोई गोवा च जांदा आ। हुण तुसीं आप देख लो आले दुआले कि झलक बिल्कुल ऐन मिनी गोवा नाल दी झलक आ। ये हवा इन्ना फ्लो तेज आ हवा का, तुसीं कहो मतलब तुहानूं आवाज़ भी सुनाई देनी होनी आ। देखो पानी दफो किदां बाहर नूं आउंदा पिया आ, ते मच्छियां भी बाहर नूं आ रही आ जिदां जिदां पानी उपर चढ़दा आ। ते बाकी एक बार जरूर आओ इत्थे। ते बाकी आ देखो तुहानूं दिखाने अपना कैंप लग्या होया। आ साडा कैंप आ, क्योंकि हवा बहुत तेज चलती सी तो असीं चलो कैंप ला लईए। तो कैंप के नाल ये आ कि चलो जे रैसट करनी होगी तो रैसट भी हो जाएगी। तो प्लस आ बैक साइड से साडा खाण पीन का बना रहे हैं असी अपना। आ बंदा साडा लगा हुआ देखो, सानू थोड़ा टोआ कढ़ना पिया इत्थे क्योंकि हवा का फ्लो बहुत तेज वा। आ देख लो जी, एक बार तुहानू आले दुआले का व्यू दिखा दईए, पहाड़ों की नेचर तो बीच की। आ देख लो एक बार जूम भी कर देना। आ देखो एक टापू बिल्कुल नज़दीक ही आ, कितना प्यारा टापू आ। आ साड़ियां कुर्सियां लगियां, आ टापू आ, तो आ सामने पहाड़ आ। पानी का फ्लो देखो कितना तेज है जी, आ रहा है ऐन पूरी झलक आ मिनी गोवा की। गोवा की झलक ला लो जिदा उत्थे पानी का फ्लो, बाहर एकदम पानी बढ़ के कैंप तक आ जाता है। आ देखो आले दुआले का तुहानूं सारा व्यू दिखा दिंदे आ। आ अपनियां बाइकां खड़ियां साडियां, बहुत वधिया नेचर है जी। तुसीं इत्थे आ के महसूस करोगे शायद तुसीं गोवा के किसी टापू ते जां बीच ते खड़े आ। तुहानूं एक बार जी डिटेल दस दिंदे आ इत्थे दी लोकेशन दी, कि तुसीं जदों मालपुर पहुंचोगे किसी नूं मैली पुछ लिओ, तो मैली दे बिल्कुल नीयरेस्ट पै जांदी आ ये लोकेशन। बहुत प्यारी लोकेशन, दुनिया भी बहुत आउंदी आ जी इत्थे। जिन्हां नूं पता आ वो इत्थे इंजॉय करन आउंदे आ, संडे नूं तां बहुत रश हुंदा आ। ते बाकी जिहड़े मेरे भरा भैण नूं नहीं पता ये लोकेशन दा, एक बार जरूर आओ ते इस जगह दा आके आनंद लो। विद फैमिली आना क्योंकि गड्डियां भी काफ़ी आ जांदियां इत्थे, मतलब तुसीं गड्डियां जिदा मर्जी लियाओ। मेरे वीर दो सानूं इत्थे मिले आ। ते भाजी किन्नी वधिया बीच आ, किन्नी दूरों दूरों आउंदे आ इत्थे इंजॉय करन वास्ते सारे। मेरा भी जिन्हां ने नहीं सबसक्राइब किया यूट्यूब ते जां फेसबुक ते फॉलो नहीं किया तो प्लीज जरूर कर लो। हवा का फ्लो बहुत तेज है जी। तो बाकी खाण पीन भी अपना हो गया रेडी। तो जी खाण पीन अपना रेडी हो गया सगा, तो हुण खा पी के असी निकल जाना आ। तो बाकी तुसी आले दुआले का एनवायरमेंट नेचर देख लिया, इस तो वधिया नेचर हो कोई हो नहीं सकता जी। वह भी अपने पंजाब के हुशियारपुर के मालपुर के बच्चा बहुत प्यारी बीच आ जी। एक बार जरूर आओ विद फैमिली इतने अपने। बाकी असी तुहानूं मिलांगे हुण नवीं वीडियो के नवे ब्लॉग के नाल। थैंक यू।